दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ्लिपकार्ट से आप डेबिट कार्ड से EMI पर फोन कैसे खरीदें। अगर दोस्तों आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों ओनली फॉर दोस्तों आप डेबिट कार्ड से फ्लिपकार्ट के मदद से आप EMI पर फोन ले सकते हैं। कैसे लेना है सारे चीज दोस्तों लाइव प्रूफ दिखाएंगे और दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से घर बैठे आप डेबिट कार्ड से मोबाइल बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन में फ्लिपकार्ट ओपन कर लेंगे। फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर जो आप मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं यहां से आप अपना मोबाइल फोन सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर मोबाइल फोन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं बाय नाउ, यहां पर बाय नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपको स्किप एवं कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं आपके पास जो मोबाइल है 17,999 रुपए का है। तो दोस्तों यहां पर इस मोबाइल को बाय करने के लिए सबसे पहले यहां पर देख पा रहे हैं कंटिन्यू में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही कंटिन्यू में क्लिक कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड आ जाएगा। आप दोस्तों किस प्रकार से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गूगल पे, फोन पे, फ्लिपकार्ट पे लेटर, UPI। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, यहाँ पर उसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों आप ATM कार्ड का नंबर डालना है, यहाँ पर वैलिडेट, यहाँ पर दोस्तों CVV नंबर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पे में क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको दिखा देते हैं कि किस किस कार्ड से दोस्तों यहाँ पर मोबाइल फोन बाय कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों नो मोर पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर SBI बैंक क्रेडिट कार्ड, SBI बैंक डेबिट कार्ड, यहाँ पर दोस्तों ICICI बैंक डेबिट कार्ड और यहाँ पर दोस्तों ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्सिस बैंक, उसके बाद दोस्तों HDFC। यहाँ पर दोस्तों इनमें से किसी भी बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड है तो दोस्तों आसानी से मोबाइल फोन बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर वैलिडेट डालना है, उसके बाद यहाँ पर CVV नंबर डालना है। डालने के बाद दोस्तों पे में आपको क्लिक कर देना है। पे में जैसे क्लिक करेंगे आपके पास मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और दोस्तों यहाँ पर जो पेमेंट है सक्सेसफुली दोस्तों यहाँ पर आपको पे हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।